डिंडोरी में जिला अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन के नाम पर जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। जनसभा के बाद राज्यपाल के नाम डिंडोरी कलेक्टर को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। डिंडोरी कांग्रेस में तो फूट पहले से ही आ गई थी, लेकिन अब इनकी लड़ाई सड़कों पर आ गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन में बताया गया है कि डिंडोरी में जल जंगल जीवन खतरे में है, शिक्षा चिकित्सा की हालत अत्यंत दयनीय है, भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है, पर इस जिले की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जल आपूर्ति के नाम पर शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से नल जल योजना, जल जीवन मिशन के कार्यों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी भवनों में भी स्वास्थ्य जल आपूर्ति के कामों में व्यापक अनियमितताएं बरती गई हैं। सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी भवनों में पानी की टंकी और टोटी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, उपरोक्त कार्यों की जांच कराई जाए। समस्या का समाधान जरूरी है सर, वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसे बांध की बात रही, यदि अगर वहाँ पे बांध बन जाता है तो हजारों आदमी की जमीन चली जाएगी, विस्थापित हो जाएंगे, वो तो भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। भीख मांगेंगे कहाँ, भीख मांगे, अगर अपनी जमीन चली जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे। जंग जंगल जमीन, जल की जो समस्याएं व्याप्त है, पाइपलाइन बिछा दी गई है पर उन पाइपलाइनों में पानी नहीं है। स्कूलों में सेंटेक्स पाइप नले लगा दी गई हैं जो 100 पीस हैं, जिनमें पानी आज तक नहीं गया है, पानी जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जो ज़मीन है वन पट्टा अधिग्रहण वाला, और जो बांध जो पूरे डिंडौरी ज़िले में, जिसके कारण बहुत से परिवार प्रभावित हो रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ हानियां उनको हो रही हैं और उनको बहुत नुकसान है इसका। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने कहा कि डिंडौरी को जिला बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं ने 25 सालों में जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। हमने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर ज्ञापन दिया है, यहाँ पर बांध को लेकर डिंडौरी जिले की जनता चिंतित है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दिखाई नहीं देता है। शिक्षा के नाम पर धांधली चल रही है, कलेक्टर को कठपुतली बनाकर उपयोग कर रहे हैं। हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें सारी समस्या बताई है, कलेक्टर ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रुदेश परस्ते ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ओमकार मरकाम जनता को झूठ बोल रहे हैं। जब कोई भी काम डिंडोरी में होता है तो वो उसे अपनी उपलब्धि बताते हैं। ओमकार मरकाम ने दिखावे के अलावा कोई काम नहीं किया है। डिंडोरी में सत्याग्रह जन आक्रोश आंदोलन रखा गया था और आप लोग देख रहे हैं हमारे डिंडोरी जिले को जिला बने 25 साल हो गए। 25 साल में हमारे डिंडोरी जिले के जनता को सिर्फ यहाँ पे जितने भी अधिकारी या कर्मचारी आए या जो नेता आए, बड़े नेता बने, उन लोगों ने सिर्फ हमारी क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। जल जंगल जमीन, शिक्षा स्वास्थ्य और कानून की रक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए हमारे क्षेत्र की जनताओं के साथ हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जल के नाम से, जल आपूर्ति के नाम से आंगनवाड़ी भवनों में आप लोग खुद देखे होंगे, आप सबको पता है कि सभी आंगनवाड़ी भवनों में ये लोगों ने जल व्यवस्था के नाम पर सिंटेक्स, सूखी पाइप और टोटी तो लगा दिया है। भैया आपने पानी खोजा ही नहीं, कई साल हो गए। इन लोगों ने सिर्फ पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे कमीशन कमाना है, इसमें ध्यान दिया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।